गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हमारा ABS में लेसन 21 चल रहा है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आज मैं आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ द हवा महल कॉल्ड सो। हवा महल को हवा महल के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर लिखेंगे, इट इज़ बिकॉज इट हैज़ अबाउट 953 विंडोज विच कीप द पैलेस कूल। द पैलेस इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑफ पिंक एंड रेड कलर स्टोन। क्योंकि इस पैलेस में 953 विंडो हैं, जिसके कारण ये पैलेस बहुत ठंडा रहता है, कूल रहता है। द पैलेस इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑफ पिंक एंड रेड कलर स्टोन, और इस पैलेस को रेड और पिंक कलर के स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। हवा महल इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ द लॉर्ड कृष्णाज क्राउन। और हवा महल को जो बनाया गया, उसकी शेप लॉर्ड कृष्णा के क्राउन होता है, उनका जो ताज है जो उन्होंने सिर पे पहना होता है, वो उस शेप का बनाया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ कोणार्क टेम्पल यूनिक। कोणार्क टेम्पल यूनिक किस तरह से है, कैसे है? आंसर लिखेंगे, कोणार्क टेम्पल इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट ड्राइवन बाय 7 हॉर्सेज ऑन 12 पेयर ऑफ डेकोरेटेड व्हील्स। कोणार्क टेम्पल को जो बनाया गया है, उसे इस तरह से बनाया गया है कि एक रथ की शेप में बनाया गया है, और जो उसका सारथी है, चलाने वाला है, वो भी दिखाया गया है, और 7 हॉर्सेस दिखाए गए हैं, और 12 पेयर डेकोरेटेड व्हील्स जो रथ के पहिए हैं उन्हें भी डेकोरेटेड दिखाया गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ द गैलरी ऑफ गोल गुंबज नोन एज विस्परिंग गैलरी। गोल गुंबज की गैलरी को विस्परिंग गैलरी के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर लिखेंगे, गोल गुंबज इज़ फेमस फॉर इट्स गैलरी। गोल गुंबज जो है वो अपनी गैलरी की वजह से ही फेमस है। दिस गैलरी इज़ इनसाइड द डोम। और जो ये गैलरी है, ये डोम के अंदर बनी हुई है, जो इट सेंड्स बैक फेंट इकोज इफ़ वी विस्पर समथिंग। और इसमें अगर हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी थोड़ा भी अपनी आवाज़ में बोलते हैं, तो वो वापस आवाज़ हमें सुनाई देती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज विस्परिंग गैलरी। इसलिए इस गैलरी को विस्परिंग गैलरी के नाम से जाना जाता है। मीन्स क्या है कि अगर हम उस जगह पर खड़े होकर थोड़ा सा भी गुनगुनाएंगे, थोड़ा सा भी अगर अपने मुँह से बोलेंगे, तो वो आवाज़ हमें वापस हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो गोल गुंबद है, ये विस्परिंग गैलरी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज आपको ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 करने हैं। ओके, थैंक यू।